अब हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स। द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस लाइंस क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। R गिवन बाई A1x प्लस B1y प्लस C1 रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। मतलब क्या है? एक लाइन ये दे रखी है और ये कोई एंगल है, इसका ये जो बाई सेक्टर है, एंगल का बाई सेक्टर है ये है। वो पूछ रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, अब एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? बाई सेक्टर्स ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजन ओरिजन ये है भाई। जो एंगल का बाई सेक्टर है उसके ऊपर ओरिजन है, उसकी इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो स्टेप करना है, पहला पहला स्टेप करना है रीराइट द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस सो दैट देयर कॉन्स्टेंट टर्म आर पॉजिटिव। ठीक है, स्टेप टू में हमें क्या करना है? द बाई सेक्टर कोरस्पोंडिंग टू द पॉजिटिव साइन। क्या होगा? A1x प्लस B1y C1 रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर इक्वल टू, प्लस साइन लेना है, A2x प्लस B2y प्लस C2 और रूट A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। ठीक है, आपने इक्वेशंस में ऐसे रखना है कि उनकी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात है, ऐसे लिखना है। फिर तो बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी बाईसेक्टर की, और वो भी क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, इसका क्वेश्चन ऐसे ही आता है, फॉर द
for the straight lines. For the straight lines, straight line है 4x plus 3y minus 6 equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 equal to 0. The equation of the bisector of the angle which contains the origin is, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आर डी शर्मा बुक में, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं. देखो पहला स्टेप क्या था कि आपने रीराइट करना इक्वेशंस को कि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, यहां नेगेटिव है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वाई, सॉरी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, पहली बन जाएगी. सेकेंड इक्वेशन में ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है, इसको कॉपी कर लो ऐसे ही, फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस नाइन इक्वल टू जीरो. अब क्या करना है, वही सिस्टम, माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स रूट 16 प्लस 9, यहाँ 5x, कौन साइन रखना है, पॉजिटिव साइन रखना है बस, याद आया थ्योरी, पॉजिटिव साइन लेना है हमने बस, नेगेटिव नहीं लेना, और 25 प्लस 144. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 52x माइनस 39y 78, 25x 60y 45. ठीक है, अगर आप आगे सॉल्व करोगे इसको, आगे सॉल्व करो उसको, उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 2 और 5 7 और 5 2 7 77x आएगा. 39 को उधर ले जाओ प्लस 99y और माइनस आएगा 48 माइनस के 25, 45 प्लस के माइनस 78, हाँ 3 माइनस 33 इक्वल टू 0. इस पे कट हो जाएगा 11 पे, 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी. और यही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है बी, सॉरी हाँ बी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो बी 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 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसकी जो थ्योरी का पार्ट है, तो थ्योरी का पार्ट है आप है ढंग से करें. ठीक है, अब है एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स. देखो एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर्स ये क्या होते हैं, इसको समझिए. देखो जब दो लाइन कट करती हैं, फर्ज करिए ये लाइन L1 है और ये लाइन है L2 है, ये लाइन L1 है ये लाइन L2 है, ठीक है, ये दो लाइन है. अब ये वाला एंगल है जो, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस वाले एंगल को, ये एंगल कहलाता है एक्यूट एंगल, जो 90 से कम हो, न्यून कोण. तो एक तो इसकी इक्वेशन बतानी है एक्यूट एंगल बाई सेक्टर की, कहता है इसकी इक्वेशन बताओ,
ठीक है। दूसरी स्टोरी, दूसरी स्टोरी है, ये वाला एंगल है जो हमारा, ये वाला एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा है, तो कौन सा एंगल है ये? ऑब्ट्यूस एंगल। कहता है इसकी इक्वेशन बताओ, तो इसकी इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन को समझे, एक तो बतानी है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, एक बतानी है ऑब्ट्यूस एंगल की, ठीक है ना। तो इसके लिए स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या है? जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप तो वही है, स्टेप वन। क्या करना आपने? आपने रीराइट करना है किसको? इक्वेशंस को, क्योंकि इक्वेशंस आपकी कौन सी होंगी? ये होंगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशंस होंगी। आपने इनको रीराइट कैसे करना है? आपने रीराइट करना है उनकी कॉन्स्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। रीराइट द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस सो दैट देयर कॉन्स्टेंट टर्म्स आर पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस वन से। इफ नॉट सो, पहली बात तो पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। जो टर्म अगर पॉजिटिव ऑलरेडी है उसको छोड़ दो, ऐसे रख लो, अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्टेप वन है। स्टेप टू में हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, ये क्वांटिटी कैलकुलेट करो। अब दो बातें होंगी, अब दो बातें होंगी क्या होगी? इफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू क्या जाए? पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो देन जो इक्वेशन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन रूट ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू, प्लस साइन के साथ होगी, ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू रूट ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। तो एंड द इक्वेशन फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज क्या होगी? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन रूट ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर इक्वल टू माइनस साइन के साथ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू रूट ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर, तो इक्वेशन क्या होगी? ये होगी, ठीक है। अगर क्या हो जाए, ये नेगेटिव आ जाए, जो ये क्वांटिटी आप कैलकुलेट करोगे, अगर ये क्वांटिटी क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, क्या? इफ ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। अब रिवर्स हो जाएगा, देन इक्वेशन फॉर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, देखो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर तो इसको फॉलो करती है, इसको एक्यूट इसे रिवर्स हो जाती है,
तो क्या बनेगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन रूट ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू रूट ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर। ठीक है, और एंड द इक्वेशन फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इच ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन रूट ए वन स्क्वेयर प्लस बी वन स्क्वेयर, यहाँ प्लस आ जाता है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू और यहाँ रूट ए टू स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर, मतलब इसका नेगेटिव रिवर्स फॉलो करती है क्यूट वाली इसका। बस ये थ्योरी है, जिस बंदे को ये थ्योरी क्लियर है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसे में। मैं क्वेश्चन क्लियर कराता हूँ, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल, इसको अंडरलाइन कर लें, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस लाइंस है 2x-y प्लस 4=0 एंड x-2y इक्वल टू 1 इज। तो ऑप्शंस है आर डी शर्मा बुक में दिए हुए हैं, मैं आंसर ले आता हूँ। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, जैसे ये लिखी हुई है ऐसे। तो क्या लिखूंगा, x-2y-1=0, यहाँ गड़बड़ है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, -1 से, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो क्या बनेगा, -x+2y+1=0। तो अब ये 1 है, ये 2 है, कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव है, ये काम हो गया। ए वन कितना है, 2 है। ए टू कितना है, -1 है। बी वन कितना है, -1 है। बी टू कितना है, 2 है। तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू कितना आएगा, ये क्वांटिटी कैलकुलेट करें आप, कितना आएगा, तो ये आएगा -4, जो कि क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है और हमने एक्यूट एंगल निकालना है, तो वो रिवर्स फॉलो करता है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल निकालना होता तो ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर निकालना होता तो इसी रूल को फॉलो करता, एक्यूट वाला इससे रिवर्स करता है। ठीक है, तो क्या होगी, फार्मूला याद करो, 2x-y+4 रूट एक्स कोफिशियंट का स्क्वायर वाई कोफिशियंट का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, रिवर्स होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड इक्वेशन लिखो, सेकंड इक्वेशन ये है, -x+2y+1 और √1+4। देखो रूट तो कट जाएंगे, तो 2x-y+4 ये इधर आके +x-2y-1=0, तो 3x हो गया, -3y हो गया, +3 हो गया, 0 हो गया। अब क्या करो, 3 से कट कर दो, तो x-y+1=0, ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर दिया हुआ है बी पार्ट, तो बी पार्ट ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इन चीजों को ध्यान करके और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो इम्पोर्टेंट है, चलिए आप इन क्वेश्चनों को लगाइए, करिए। तो कंटिन्यू मैं इसके बाद करूंगा, आप यहाँ तक सभी नोट कर लीजिएगा।